हेलो एवरीवन कैसे हैं सभी मेरा नाम है निकिता और स्वागत है आप सभी का हमारी इस इंग्लिश क्लास में सो so, आज हम लोग प्रपोजिशन के पार्ट एट पर आ चुके हैं एंड लेट मी टेल यू गाइस दिस इज़ द लास्ट लेक्चर ठीक है और इसके बाद हम लोग जो है ये टॉपिक खत्म करके बढ़ेंगे प्रैक्टिस क्यों सो so आप लोग जानते हो कि हमारा एग्जाम बहुत पास आ चुका है लाइक वेरी क्लोज सो उसके लिए प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको तो सभी जो इंपॉर्टेंट थे वो तो कवर करवा ही दिए हैं और हम लोग काफ़ी टाइम से जो है प्रैक्टिस भी साथ साथ हर एक कॉन्सेप्ट के साथ साथ करते आ रहे हैं लेकिन अब बारी आ चुकी है कि हम मिसलेनियस क्वेश्चन को लगा करके देखें ठीक है तो एक्चुअल में जब आप एक कॉन्सेप्ट की तैयारी करते हो और उस कॉन्सेप्ट के साथ आप उसी के उसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको प्रैक्टिस कर लेते हो तो उससे ये होता है कि आपका वो कॉन्सेप्ट तो बहुत ज़्यादा अच्छे से तैयार हो जाता है

ताकि तुम बढ़िया से एग्जाम को फोड़ करके आओ ठीक है चलो तो शुरू करते हैं इसके साथ ठीक है प्रेपोजिशन का ये लास्ट लेक्चर है जैसे मैंने अभी अभी बताया है इसके जो पुराने सेवन लेक्चर्स थी उसके अंदर हम लोगों ने ऑलमोस्ट सारी चीजें कवर कर ली थी हम लोगों ने अकेडमिक इंग्लिश भी कर ली थी तो हम लोग एडवांस इंग्लिश भी पढ़ ही रहे थे ठीक है कंफ्यूजिंग पार्ट भी इसमें जो है हम लोग वो कवर कर चुके हैं सो वर्ड्स विद नो प्रशन वर्ड्स विद डिफरेंट प्रपोजिशन कवर करने के बाद आज हम आ चुके हैं वर्ड्स विद फिक्सड प्रपोजिशन के ऊपर और हम डिस्कस करने वाले हैं ऐसे शब्दों को जो अपने साथ फिक्स प्रपोजिशन लेते हैं ठीक है अब ये जो है ये ना वो का हिस्सा होता है आया समझ में। एक तरीके से ठीक है ये होते हैं क्या ये होते हैं फ्रेजेस और इनका कुछ सर्टेन मीनिंग होते हैं जैसे आप वर्ड का कर इस्तेमाल करते हो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ डेलेमा सो so, डेलिमा का मतलब क्या होता है दुविधा बोल सकते हो है ना मानसिक तौर पर जब हम किसी दुविधा में फंस जाते हैं कि क्या करूँ ये करूं कि वो करू है ना ये करने से ये प्रॉब्लम आएगी ये करने से ये प्रॉब्लम आएगी समझ में नहीं आ रहा है सो so हम एक क्या है दुविधा में आकर के फंस गए हैं सो so उसे आप डेलेमा कह सकते हो सो so जैसे डेलेमा एक वर्ड है और उसका एक सर्टेन मीनिंग है और उसका इस्तेमाल हम करते हैं सो so ये जो फ्रेजेज होते हैं फिक्स प्रपोजिशन जो होती हैं, ये भी क्या होते हैं ये भी हम ना एज uh, वो कैब हमारी इंप्रूव करते हैं और एज वर्ड्स हम यूज करते हैं इनको क्योंकि इन सर्टेन फ्रेजेस का कुछ एक पर्टिकुलर मीनिंग होता है हर एक फ्रेज का कुछ अलग अलग मीनिंग होता है वो अलग अलग चीज़ों के लिए चीज़ों को डिनोट करने के लिए अलग अलग सिचुएशन इमोशंस को डिनोट करने के लिए यूज किए जाते हैं तो आपको वो याद रखना पड़ेगा ठीक है सो so, इसलिए मैं कह रही हूं कि ये क्या है ये ना वो गैप का हिस्सा है और आपके सामने क्वेश्चंस ऐसे आ सकते हैं जिसके अंदर आप लोगों को एरर uh, जो है वो स्पॉट करना होगा और एक्चुअल में इन सभी वर्ड्स के साथ क्योंकि फिक्स प्रेपोजिशन यूज होती है तो ये अलग अलग प्रपोजिशन यूज करके देंगे सो so, बेटा एक बहुत मुश्किल की बात बताने वाली हूँ कि ये होते हैं तीन सौ खूब सारे हैं ठीक है ये छोटे मोटे नहीं है ये ना बहुत सारे हैं ये काफ़ी ज़्यादा हैं सो आप लोगों को आप सोचो कि एक साथ सारे लर्न हो जाएंगे नहीं होंगे सो आज की क्लास में अपन इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे ठीक है जो ज़रूरी है एग्जाम के लिए अपन उसको डिस्कस करने वाले इनको तैयार करके जरूर चले जाना और हाँ रिविजन ज़रूरी रहेगा और लर्न करना पड़ेगा आई एम सो सॉरी मैं कभी नहीं बोलती कि कोई चीज़ आपको लर्न करनी पड़ेगी लर्न करने की लर्न से मेरा ना ये मतलब रहता है कि रटना रटने की ना नौबत कभी आनी नहीं चाहिए प्रैक्टिस करते करते चीज़ें सीख जाएंगे हम लेकिन हाँ ये इनका कोई तोड़ नहीं है इनको आपको लर्न करना ही पड़ेगा ठीक है आपको याद करना ही पड़ेगा सो so, इसमें थोड़ी सी मेहनत लगाएंगे अपन ठीक है चलो बहुत गाइड कर दिया मैंने अब क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं सो प्रिपोजिशन पार्ट एट एंड लास्ट लेक्चर है ये हमारा सो so, इसके साथ शुरू करेंगे सो देर आर फ्यू नाउन्स दैट आर फॉलोड बाई अ पर्टिकुलर प्रेपोजिशन ठीक है फिक्स्ड फिक्सिशन सो इन सभी के साथ में फिक्स्ड यानी कि यही जो है वही लगती हैं और इनके साथ कोई और प्रेपोजिशन नहीं लगती है ठीक है सो so, नाउन्स जिनके साथ प्रेपोजिशन लगती है वो ये सभी है अब आई गेस की मेरे पीछे जो है कॉन्टेंट वो छुप रहा है तो एक काम करते हैं कि अपन जितना विजिबल है उसको रीड कर लेते हैं देन मैं आपके सामने स्क्रीन प्रेजेंट कर दूंगी तो आप अच्छे से उसको समझ पाओगे सो so, सबसे पहला जो हमारे सामने आता है है ना वो क्या है वो है अक्वेंटेंस with acquaintance का मतलब क्या होता है सबसे पहले ये हमारे लिए जानना जरूरी है सो so, acquaintance का मतलब होता है कि किसी के साथ ना आपकी दोस्ती है बट आर नॉट दैट क्लोज ठीक है आप उसे फ्रेंड नहीं कह सकते हो हम बोलते हैं ना कि ये मेरा दोस्त है लेकिन इस व्यक्ति के साथ सिर्फ मेरी हाई हेलो है हेलो का मतलब क्या होता है कि यू नो इच अदर ऑब्वियस बात है आप एक दूसरे को जानते हो यू आर वेरी फेमिलियर बट आप एक दूसरे को फ्रेंडशिप वाला टैग नहीं दे सकते हो ठीक है जब आपको जरूरत पड़ती है तो आप किसी काम से उस व्यक्ति व्यक्ति के पास पास जाते हो वो व्यक्ति आपके पास आ जाता है है तो है एक बड़ा फॉर्मल सा रिलेशन ठीक उस तरीके का रिश्ता है बट हाँ इतना नजदीकी भी नहीं है फाइन सो से हम अक्वेंटेंस कहते हैं सो अक्टेंस विद का मतलब क्या है किसी के साथ ऐसा रिश्ता होना ठीक है अक्वेंटेंस विद का मतलब होता है किसी के साथ ऐसा रिश्ता होना सो अगर आप किसी व्यक्ति के साथ की बात कर रहे हैं और ये एस एक पर्सन के थ्रू ही मतलब एक पर्सन के कॉन्टेक्स्ट में ही इस वर्ड का यूज किया जाता है बेसिकली आप समझ सकते हो कॉन्टैक्ट में होना ठीक है सो डिफरेंस बिटवीन बींग फ्रेंड्स एंड विद हैविंग अ कॉन्टेक्ट विद समन ठीक है आप किसी के साथ दोस्त हो वो एक अलग चीज है और आप किसी के साथ कॉन्टेक्ट में हो बातचीत है आपकी वो अलग चीज है सो अक्टेंस का मतलब होता है कॉन्टेक्ट में होना तो अगर आप किसी पर्सन uh, के कॉन्टेक्ट में ही यूज होगा आप किसी पर्सन के लिए बोल रहे हो तो आप हमेशा विद का इस्तेमाल करोगे अक्वेंटेंस विद सो यहाँ पे एग्जाम्पल है आई हैव नो अक्वेंटेंस विद रोहन मेरा रोहन से कोई लेना देना नहीं है मेरा कोई कॉन्टेक्ट नहीं है रोहन के साथ ठीक है सो आई हैव नो अक्वेंटेंस विद विध अ पर्सन सो हम विद्तेमाल करेंगे ठीक है अगला जो आता है वो है अफेक्शन फॉर अफेक्शन यानी कि स्नेह होना किसी के लिए ठीक है आपको परवा है आपको आप आपको परवा है किसी की आपको अंदर से होता है ना दिल में सॉफ्ट कॉर्नर होता है किसी के लिए लाइकिंग है 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 ना स्नेह आप समझ सकते हो ठीक तो किसी के लिए स्नेह होने को हम लोग क्या बोलते हैं अफेक्शन और हम इसको यूज करते हैं दोबारा से इसके साथ किसका इस्तेमाल होगा दोबारा से इसके साथ जो प्रेपोजिशन है वो फॉर का इस्तेमाल किया जाएगा ठीक है फॉर प्रेपोजिशन का इस्तेमाल होता है और आप इसको इस, यूज करते हो इस कॉन्टेक्स में जब आप किसी पर्सन के बात, बारे में बात कर रहे हो ठीक है आई हैव अफेक्शन फॉर

आ गया समझ में फॉर समबडी ठीक है अगला आता है अपोलॉजी फॉर ठीक है अपोलॉजी फॉर आप किसी चीज के लिए अपोलॉजी मांगते हो ठीक है अपोलॉजी फॉर अपोलोजाइज अब हमने याद है लास्ट क्लास में हमने क्या सीखा था अपोलोजाइज टू ठीक है अपोलोजाइज टू का इस्तेमाल कब होता है अपोलॉजी माफी अपोलोजाइज मतलब माफी मांगना

यानी कि माफ़ी किस चीज के लिए किसी चीज के लिए जब आप माफी आ, मांगे ठीक है किसी चीज के लिए जब आप अपोलोजाइज करें ठीक है तो यहाँ पर देखो ही ऑफर्ड हर एन अपोलॉजी फॉर द वे ही बिहेवड ठीक है अब दोबारा से समझो ऑफर्ड हर अ अपोलॉजी उसने ना क्या माफी जो है उसने एक ऑफर किया कि भाई मैं माफी मांग सकता हूँ उसने मांगा नहीं सो so, यहाँ पे नाउन और वर्ब में आपको फर्क समझना पड़ेगा अभी हमने एक वर्ड और पढ़ेंगे आप समझते हो कंप्लेन सी ओ एम पी एल ए आई एन कंप्लेन और एक होता है कंप्लेंट जिसमें लास्ट में टी लगता है कंप्लेन होता है वर्ब और कंप्लेन होता है आपका नाउन सो कंप्लेंट यानी कि शिकायत और कंप्लेन यानी कि शिकायत करना ठीक है तो इनमें फर्क है वैसे ही अपोलॉजी मतलब की माफी और अपोलोजाइज मतलब की माफी मांगना तो कह रहे कि मैंने अपोलॉजी उसको ऑफर की थी मैंने कहा था कि मैं माफी मांग लूंगा मांगी नहीं थी बात की गई थी इस बारे में ठीक है नाउन so, है उसने बोला था कि मैं इस चीज के लिए अपॉलॉजाइज कर लूंगा मैं अपोलॉजी ऑफर कर रहा हूं आपको तो किसी चीज के लिए सो अपोलॉजी फॉर अपोलॉजी फॉर द रूड बिहेवियर अपोलॉजी फॉर द वे ही बिहेव लास्ट नाइट ठीक है तब आप इसमें क्या करेंगे अपोलॉजी फॉर का इस्तेमाल करोगे गॉट इट अपोलॉजी के साथ टू नहीं आएगा ठीक है दोबारा से याद रखना अपोलॉजी के साथ हमेशा फॉर आएगा अपोलोजाइज अगर वर्क बन जाता है तब आप टू और फॉर का यूज कर सकते हो अगला आता है एप्टीट्यूड फॉर एप्टीट्यूड इज समथिंग नेचुरल स्किल्स ठीक है आपकी नेचुरल एबिलिटी को हम एप्टीट्यूड बोलते हैं ठीक है आप कितने मानसिक तौर पर आप कितने तेज हो एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं ना वो ये देखने के लिए होते हैं कि आप नेचुरली कितने तेज हो उसके लिए अलग से आ, मतलब कोई ऐसा पढ़ाई नहीं होती है वो बस आपकी जनरल नॉलेज के आप कितने तेज हो नैचुरल आपके अंदर कितनी एबिलिटीज है आपका दिमाग कितना तेज दौड़ता है आपकी स्किल्स क्या है वो टेस्ट करने के लिए होता है ठीक है

तो अश्योरेंस के साथ ऑफ का इस्तेमाल होगा ही गेव अस नो अश्योरेंस ऑफ हिज सपोर्ट उसने हमें इस बात का को कोई अश्योरेंस नहीं दिया कोई uh, श्योरिटी नहीं दिया आप समझ सकते हो श्योरिटी ठीक है एक अश्योरेंस रहेगा दिलासा या आप कह सकते हो श्योरिटी देना किसी चीज की ठीक है सो so, कह रहे हैं कि उसने हमें कोई इस बात की श्योरिटी नहीं दी कि वो हमें सपोर्ट ऑफर करेगा सो अश्योरेंस ऑफ समथिंग ठीक है ऑफ समथिंग अश्योरेंस ऑफ समबडी यूज नहीं होगा किसी व्यक्ति के लिए नहीं ऑफ समथिंग यूज होगा किसी चीज की अश्योरेंस किसी चीज की श्योरिटी ओके okay? अगला आता है ब्लेम फॉर इल्जाम डालना किसी चीज का इल्जाम देना ठीक है किसी चीज का इल्जाम डालना सो ब्लेम फॉर ही इज नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट ब्लेम फॉर द इंसिडेंट वो कह रहे हैं कि वो उस घटना का ब्लेम अपने ऊपर नहीं लेने वाला ही इज नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट वो अपने ऊपर एक्सेप्ट नहीं करने पा रहा करने वाला ब्लेम किस चीज के लिए उस इंसिडेंट के लिए सो ब्लेम फॉर इज यूज फॉर समथिंग ठीक है किसी चीज के लिए ओके okay? अगला जो है कैंडिडेट फॉर कैंडिडेट आप समझते हो है ना So, किसी चीज के अगर आप कैंडिडेट हो तो आप तब फॉर का इस्तेमाल करोगे यू आर द मोस्ट एलिजिबल कैंडिडेट फॉर दिस पोस्ट कि आप जो है उम्मीदवार ठीक है कैंडिडेट मतलब उम्मीदवार तो so, आप किसी चीज के लिए ठीक है वो कह रहे हैं कि और स्पेशली पोस्ट वगैरह के लिए हम यूज करते हैं ठीक है तो वो बोल रहे हैं कि तुम सबसे ज्यादा क्या कहते हैं सबसे ज्यादा डिजर्विंग कैंडिडेट हो उम्मीदवार हो इस पोस्ट के लिए ठीक है तो कैंडिडेट के साथ हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे अगला आता है कैपेसिटी फॉर ठीक है कैपेसिटी आप समझते हैं क्षमता है ना किसी चीज की सो योर कैपेसिटी फॉर लर्निंग फैक्ट्स इज अमेजिंग ठीक है तुम्हारी जो क्षमता है चीजों को जानने की है ना वो बहुत ही बढ़िया है ठीक है सो कैपेसिटी के साथ फॉर का इस्तेमाल किया जाता है गॉट इट अब देखो मैं वही कह रही हूं बेटा इसको आप समझ भी लोगे ना कि इसका मीनिंग क्या है बट स्टिल आपको तो क्या करना पड़ेगा लर्न तो करना पड़ेगा दे इज नो अदर वे ओके ठीक है इसके पीछे का कोई दूसरा रास्ता नहीं है ये वर्ड्स ऐसे ही यूज होते हैं फिक्स प्रपोजिशन है ऐसे ही यूज किए जाएंगे ठीक है तो इसलिए ये वोकेबुलरी का हिस्सा है आपको इसी तरीके से इसको लर्न करना पड़ेगा ओके okay? अगला आता है केयर ऑफ ठीक है तो आप किसी चीज के बारे में अगर केयर ऑफ केयर फॉर का हम क्या करते हैं केयर फॉर समबडी केयर ऑफ समथिंग है ना याद है केयर ऑफ का इस्तेमाल कर रहे हो तो किसी चीज के लिए लेकिन आप किसी इंसान की परवाह करते हो तो केयर फॉर आई रियली केयर फॉर माय सिस्टर मैं अपनी बहन की बहुत परवाह करती हूँ ठीक है यू शुड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ आपको अपने हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए तो टेक केयर ऑफ का इस्तेमाल करेंगे वेन यू आर यूजिंग इट फॉर सम थिंग नॉट फॉर सम बडी ओके ही डज नॉट टेक केयर ऑफ हिज हेल्थ वो अपने ध्यान नहीं रखता अपने स्वास्थ्य का ओके okay, अगला है कॉज फॉर कॉज फॉर यानी कि किसी चीज का कारण होना ठीक है सो व्हाट इज द कॉज फॉर योर एंजाइटी तुम्हारी इस एंजाइटी का कारण क्या है कॉज फॉर ठीक है ओके कॉज ऑफ कॉज ऑफ वॉट इज द कॉज ऑफ द डिजीज दोबारा से देखो यहां पर हम क्या बोल रहे हैं वॉट इज द कॉज ऑफ द डिसीज सो जब भी आप किसी डिसीज के बारे में बात करेंगे तो आप कॉज ऑफ का इस्तेमाल करेंगे बाकी सभी केसेज में आप कॉज फॉर का इस्तेमाल करते हैं ठीक है जब भी आप क्या करेंगे डिजीज uh, है या मूड है वॉट इज द कॉज ऑफ द सैडनेस ठीक है आया समझ में जब आप मूड के बारे में बात कर रहे हो जब आप डिजीजेज के बारे में बात कर रहे हो तो कॉज ऑफ बोलोगे ठीक है आप तब क्या बोलोगे कॉज ऑफ और जब आप बाकी चीजों के बारे में बात करते हैं तो कॉज फॉर चार्ज ऑफ ठीक है ही हैज चार्ज ऑफ मर्डर चार्ज ऑफ यानी कि इल्जाम होना ठीक है चार्ज ऑफ तो चार्ज ऑफ समथिंग किसी चीज का इल्जाम है आपके ऊपर तो कह रहे हैं उसके ऊपर खून कत्ल का इल्जाम है ओके क्लेम ऑन सो क्लेम ऑन आप क्या करते हो क्लेम ऑन सम बडी ठीक है या क्लेम ऑन समथिंग भी हो सकता है सो क्लेम यानी कि दावा होना शी हैज एवरी क्लेम ऑन हिम ठीक है उसके ऊपर सारा सारा सॉरी क्लेम ऑन का इस्तेमाल आप तब करोगे दावा एक तो होता है दावा करना ठीक है किसी चीज पे और एक होता है हक जताना ठीक है क्लेम का मतलब होता है दावा और यहाँ पे क्लेम ऑन अगर हम बोल रहे हैं तो क्लेम ऑन का जो यहाँ पर मीनिंग निकल करके आ रहा है वो है किसी व्यक्ति पर या किसी चीज पर हक जताना ठीक है कि शी हैज एवरी क्लेम ऑन हिम उसके ऊपर उसका सारा हक है क्लेम टू योर क्लेम टू द चेयर इज नॉट जस्टिफाइड क्लेम टू समथिंग ठीक है कि आपका जो क्या है आप जो क्लेम कर रहे हो आप जो दावा कर रहे हो उस चीज के ऊपर आप जो हक जता रहे हो उस चीज के ऊपर वो जस्टिफाइड नहीं है ठीक है कंप्लेन अगेंस्ट कंप्लेन अगेंस्ट का हम तब ये मैंने आपको बताया था कंप्लेन करने का मतलब होता है वो वर्ब होता है कंप्लेन ठीक है और कंप्लेंट जब टी लग जाता है तो ये नाउन बन जाता है ठीक है सो वो क्या बोल रहे हैं शिकायत ठीक है एक होता है शिकायत करना और एक होता है शिकायत तो किसी के खिलाफ शिकायत तब आप कंप्लेन अगेंस्ट बोलेंगे आई डोंट वॉन्ट टू लॉन्च अ कंप्लेन अगेंस्ट हिम मेरे को उसके खिलाफ शिकायत दर्ज नहीं करनी है सो so आप किसी व्यक्ति के खिलाफ अगर शिकायत कर रहे हो तो कंप्लेट अगेंस्ट ठीक है है ना और हम लोगों ने याद है कंप्लेन टू कंप्लेन अगेंस्ट कंप्लेन फॉर है ना कंप्लेन टू किसी से शिकायत करना कंप्लेन अगेंस्ट किसी के बारे में शिकायत करना और कंप्लेन फॉर किसी चीज के लिए शिकायत करना ठीक है कंप्लेंट जो है शिकायत होती है केवल आप उसमें शिकायत कर नहीं रहे हो आप बात कर रहे हो उसके बारे में ओके कॉन्फिडेंस इन कॉन्फिडेंस इन यानी कि भरोसा होना किसी के अंदर ठीक है किसी में भरोसा दिखाना ही होप्स यू जस्टिफाई हिज कॉन्फिडेंस इन यू वो आशा करता है कि आप अपना जो कॉन्फिडेंस है ना उसके ऊपर ठीक है आपका जो भरोसा है उसके ऊपर आप उसको जस्टिफाई कर पाओगे ठीक है so सो क्या बोल रहे हैं आपका जो भरोसा है उसके ऊपर आप उसको जस्टिफाई कर पाओगे वो इस बात की आशा करता है ओके okay? अगला आता है कंट्रोल ओवर कंट्रोल ओवर यानी कि किसी चीज़ के ऊपर आपका कंट्रोल होना ठीक है सो so, बोल रहे हैं यू हैव नो कंट्रोल ओवर योर इमोशन आपका कोई भी कंट्रोल नहीं है आपके अंडर अंडर कंट्रोल नहीं है आपके ठीक है आपका कोई भी कंट्रोल को हिंदी में हम क्या कह सकते हैं कंट्रोल कंट्रोल कितना नॉर्मल वर्ड है ना ये इंग्लिश में जिसको हम डे टू डे बेसिस पर यूज़ कर रहे होते हैं और हमने कभी सोचा नहीं होता कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं ना जिनको हम डे टू डे बेसिस पर इंग्लिश uh, में यूज कर रहे होते हैं और हमने सोचा नहीं होता है कि इसका हिंदी में क्या मीनिंग होगा टूथपेस्ट <laughs> मेरे दिमाग में ऐसे सवाल बहुत आते हैं जैसे कि टूथपेस्ट अब टूथपेस्ट क्या है हम टूथपेस्ट ही बोलते हैं है ना या तो हम ज्यादा से ज़्यादा अगर आप देखो तो लोग उसको पेस्ट बोल देते हैं टूथपेस्ट को वैसे तो दंत मंजन भी मैंने सुना है लेकिन इसके लिए दंत मंजन फिर एक वो पाउडर भी होता है उसके लिए भी हम यूज करते हैं तो इन सब के लिए अलग अलग स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं है ना है कि नहीं टूथ ब्रश सो इसके लिए हम ब्रश ही बोलते हैं ब्रश की जगह हमें क्या बोलना चाहिए ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जिनके साथ हम इतने फमिलियर हो चुके हैं इतना कॉमनली उसको यूज कर रहे हैं कि हम भूल जाते हैं उसका हिंदी में मीनिंग क्या होता है तो ब्रश का मतलब क्या होगा है ना चलो तो इसी तरीके से ठीक है ऐसे ही कंट्रोल तो कंट्रोल तो आप समझ रहे हो ना आपका कंट्रोल uh, होना किस चीज के ऊपर सो कंट्रोल ओवर यानी कि किसी चीज पे कंट्रोल होना वो कह रहे हैं आपका आपके इमोशंस पे भावनाओं पे कंट्रोल नहीं है क्योर फॉर क्योर फॉर यानी कि क्योर आप समझते हो उपाय ठीक है किसी चीज का उपाय ठीक है तो कह रहे देर इज नो क्योर फॉर दिस डिजीज इस डिजीज का इस बीमारी का कोई क्योर नहीं है कोई उपाय नहीं है कोई इलाज नहीं है डिसग्रेस टू डिसग्रेस का मतलब है एक तरीके से आप कह सकते हो आम, अपमान ठीक है आप अगर हम बोले कि यू आर योर डिस्ग्रेस टू हर फैमिली तुम्हारी जो जो तुम्हारी जो बेटी है वो अपने परिवार के लिए क्या है कलंक एक तरीके से आप कह सकते हो कलंक है ना अः बेजती करवाई है ठीक है तो डिस्ग्रेस टू समबडी ठीक है ओके ओके अगला आता है ड्यूटी टू ड्यूटी टू का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं ड्यूटी टू यानी कि Uh, कर्तव्य आपका किसी के प्रति ठीक है किसी के प्रति किसी चीज के प्रति कर्तव्य सो नथिंग इज अबाउट अबान्स ड्यूटी टू द नेशन कि कुछ भी ऊपर नहीं है कि एक व्यक्ति का जो कर्तव्य है उसके देश के प्रति उससे ऊपर कुछ भी नहीं होता ये वो बोल रहे हैं ठीक है अगला आता है एक्सक्यूज फॉर एक्सक्यूज फॉर का इस्तेमाल होता है किसी चीज के लिए बहाना देना ठीक है किसी चीज के लिए बहाना देना डू यू हैव एनी एक्सक्यूज फॉर योर एब्सेंस क्या तुम्हारे पास कोई एक्सक्यूज है कोई बहाना है कि तुम क्यों नहीं आए थे तुम्हारा तुम कल छुट्टी क्यों ली थी तुमने ठीक है ओके okay. एक्सक्यूज आप कह सकते हो बहाना देना रीजन देना ठीक है फॉन्डनेस फॉन्डनेस फॉर यानी कि लाइकिंग किसी के प्रति ठीक है सो so वो बोल रहे हैं योर फॉन्डनेस फॉर हर इज नेचुरल तुम्हारी जो लाइकिंग है तुम्हें जो पसंद है ना वो तुम्हारी जो लाइकिंग है है उसकी तरफ नेचुरल ओके okay? और लास्ट हमारे सामने जो यहाँ पे दिख रहा है फ्रीडम फ्रॉम यानी कि किसी चीज से आजादी इट डज नॉट मीन फ्रीडम फ्रॉम केयर एंड ड्यूटी इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें केयर और या फिर तुम्हें जो कर्तव्य है तुम्हारे उससे आजादी मिल चुकी है तो फ्रीडम फ्रॉम समथिंग ठीक है फ्रीडम फ्रॉम सम बडी भी बोल सकते हो ओके आ गया तो फ्रीडम के साथ जब भी है यही प्रेपोजिशन जाएगा आप फॉर समथिंग बोलिए यस फॉर बोलिए बट यही फिक्स यूज होगा और कोई यूज नहीं करते हैं हम ओके इट अगला आता है है ग्रीफ ग्रीफ एट एट ठीक तो यानी कि शोक मनाना ठीक है ग्रीफ एट का मतलब होता है शोक मनाना आई फेल्ट ग्रीफ एट द डेथ ऑफ माई वाइफ के मुझे ना बहुत ही ज्यादा कैसा महसूस हुआ मुझे बहुत ही ज्यादा उदासी महसूस हुई बहुत ही ज्यादा शोक महसूस हुआ कब आ, मेरी बीवी के मरने पर ठीक है अगला है हैटरेट फॉर हेट्रेट फॉर का इस्तेमाल हम कब करते हैं hatred for का इस्तेमाल हम करते हैं जब हम कहते हैं कि आपको किसी चीज के लिए ना मन में ऐसे बहुत ही नफरत है उसके प्रति वो नेचुरल है ठीक है वो जाहिर है hair तो hair का मतलब होता है अब यह ना इसे ना कोई लोग हायर बोलते हैं जो कि हायर तो थो थोड़ा सा गलत प्रोनाउंसिएशन है एयर भी बोलते हैं ठीक है इसको हम एयर भी बोलते हैं हेयर भी बोलते हैं सो so, बस फर्क है आपका इंडियन इंग्लिश हो गया आपका अमेरिकन इंग्लिश ब्रिटिश इंग्लिश इन सभी इंग्लिश का फर्क आ जाता है बाकी प्रोनाशिएशन ठीक है ठीक है है ना यू डू यू वो वाला सीन है पे सो so, हाँ, अगर हम देखें तो एयर बोलना चाहिए इसको तो बट बहुत सी जगह पे हेयर जो है वो भी वैलिड है ओके तो एयर टू यानी कि सन इज एयर टू द थ्रोन यानी कि दावेदार होना किसी चीज का ठीक है आप क्या हो दावेदार कह सकते हो या फिर आप कह सकते हो कि विरासत में आपको तो मिलने वाला है ठीक है सो वारिस होना ओके okay, तो वो क्या कह, कह रहे हैं कि इस गद्दी का वारिस कौन है तुम्हारा बेटा या उसका बेटा इस गद्दी का वारिस है एयर टू इन्फ्लुएंस ऑन या ओवर या विद आप इन्फ्लुएंस ऑन भी इस्तेमाल कर सकते हो इन्फ्लुएंस ओवर भी बोल सकते हो इन्फ्लुएंस विद भी बोल सकते हो किसी व्यक्ति पे इन्फ्लुएंस है तो आप बोल सकते हो इन्फ्लुएंस ऑन ठीक है ठीक है और किसी किसी के थ्रू इन्फ्लुएंस है तो इन्फ्लुएंस विद बोल सकते हो ठीक है और इन्फ्लुएंस ओवर भी हम बोल सकते हैं डू यू नो एनी हैज एन हैज नो इन्फ्लुएंस विद मजिस्ट्रेट सो यहाँ पे इन्फ्लुएंस विद मजिस्ट्रेट यानी कि उसका कोई लेना देना नहीं है ठीक है मजिस्ट्रेट के साथ कोई रिश्ता नहीं है इन्फ्लुएंस ऑन यानी कि प्रभाव पड़ना किसी का ठीक है ओके प्रभाव पड़ना इन्फ्लुएस ऑन हिम इट इज इट विल हैव अ बैड इन्फ्लुएंस ऑन हिम इस चीज का बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ेगा उसके ऊपर ठीक है या ओवर हिम भी बोल सकते हैं ओके इन्वेस्ट सॉरी इंटरेस्ट इन इंटरेस्ट इन यानी कि दिलचस्पी होना वी हैव नो इंटरेस्ट इन म्यूजिक हमारी कोई दिलचस्पी नहीं है uh, संगीत में ओके okay. अगले जो है हमारे सामने वो आते हैं इन्विटेशन टू दे हैव सेंट अस एन इनविटेशन टू डिनर यानी कि न्योता ठीक है उन्होंने so no so, uh, no हम लोग इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पर क्या हो गया दोनों जो सेंटेंसेस हैं वो सिमिलर हो गए हैं सो लिनियंसी आप कह सकते हो ढीला पाने को था ना स्ट्रिक्ट बड़े ही कठोर बड़े सख्त स्ट्रिक्ट इंसान है और उसका ऑपोजिट क्या होता है बड़ी लीनियंट है ठीक है लीनियंस यानी कि आप इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं हो किसी चीज को लेकर के नियमों को लेकर के इतने हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है ठीक है यू आर लीनियंट टू समथिंग ठीक है सो लिनियंसी टूवर्ड्स समथिंग किसी चीज के प्रति ठीक है सो लेजर फॉर लेजर फॉर यानी कि आप कह सकते हो लेजर आप समझते हो आराम का मामला है ना आराम से सो दे हैव नो लेजर फॉर सच थिंग्स कि उनका ना कोई उनकी दिलचस्पी नहीं है उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है इस, इन चीजों के लिए ठीक है तो लिमिट टू लिमिट टू यानी कि आप समझ सकते हो लिमिट टू थिंग्स है ना कि देर देर इज नो लिमिट टू डिजायर कि किसी की ना uh, इच्छाओं पे कोई लिमिट नहीं होती है कोई रोक नहीं होती है बेसिकली ठीक है अगला आता है लॉन्गिंग फॉर सो यहाँ पर अब मैं थोड़ा सा ना स्क्रीन जो है आपके सामने प्रेजेंट कर देती हूँ छुप रहा है मेरे पीछे ठीक है चलो अब आप देखो हम क्या बोल रहे हैं हम यहाँ बोल रहे हैं लॉन्गिंग फॉर तो लॉन्गिंग फॉर यानी कि चाह रखना और लॉन्गिंग फॉर वेल्थ इज टू मच कि उसकी जो चाह है ना धन संपत्ति के लिए वो बहुत ज्यादा है अगला आपके सामने है यहाँ पर ठीक है जो अगला है आपके सामने यहाँ पर वो है मैच फॉर ठीक है मैच फॉर यानी कि आपके टक्कर का मेरे मेल की नहीं है मेल का ठीक है मेल खाना गॉट इट अगला है नीड ऑफ यानी कि जरूरत ही इज ऑलवेज इन नीड ऑफ फूड एंड मनी उसे हमेशा पैसे या खाने की जरूरत में रहता है वो ठीक है इस चीज की हमेशा उसे जरूरत रहती है निग्लेक्ट ऑफ निगलेक्ट ऑफ यानी कि नज़रअंदाज करना शी शुड नॉट बी ब्लेम्ड फॉर द निगलेक्ट ऑफ ड्यूटी उसे उस पर लड़की पे ब्लेम नहीं जाना चाहिए अगर लड़के ने अपनी कर्तव्य ढंग से नहीं निभाया है तो उसका ब्लेम लड़की पर नहीं जाना चाहिए ओबीडियंस टू आई अप्रिशिएट योर ओबीडियंस टू योर टीचर ओबीडियंस टू यानी कि पालन करना है ना uh, आगे का पालन करना सो so, कह रहे हैं कि मैं ना तुम्हारी जो ओबीडियंस है जो आप आगे का पालन करते हो अपने टीचर्स का उसका उसकी uh, सराहना करता हूं ठीक है थीके? चलो अब हम आते हैं कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स पर

ठीक है सो अक्वेंटेड विद का मतलब आप ये कह सकते हो कि क्या आपका आ, कुछ लेना देना है कुछ कांटेक्ट है किसी के साथ ठीक है सो मेनी ऑफ देम आर नॉट अक्वेंटेड विद हर कि वो क्या है कि बहुत से लोग जो है वो उसके साथ कॉन्टेक्ट में नहीं है यानी कि उससे परिचित नहीं है एक तरीके से आप कह सकते हो ठीक है इट अक्विट अक्विट का मतलब क्या होता है बरी होना है ना जेल से बरी होना

अफ्लिक्टेड afflicted विद यानी कि किसी चीज का आपके ऊपर क्या है uh, आप पीड़ित हो किसी चीज से हर फ्रेंड इज अफ्लिक्टेड विद कैंसर क्या है वो कैंसर से पीड़ित है ओके okay? अगला आता है ब्लेस्ड विद ब्लेस्ड विद यानी कि आप कह सकते हो किसी चीज की आपके ऊपर uh, हम क्या बोलेंगे uh, कृपा है किसी चीज की ठीक है यू बी ब्लेस्ड विद आप क्या हो कि आपका भगवान जो है आप किसी को ना ब्लेसिंग्स देने के लिए यूज करोगे कि आपके ऊपर इस चीज की ब्लेसिंग रहे ठीक है आपको एक बेटा मिले ओके ब्लाइंड इन तो ब्लाइंड इन मैंने आपको बताया था आप तब इस्तेमाल करते हो जब आपको आप वन आई के बारे में बात करो कि okay, आप एक आंख से अंधे हैं लेफ्ट आई बोल दो राइट right आई बोल दो मतलब तो एक ही आंख है या फिर वन आई बोल दो द वुड कटर इज ब्लाइंड इन द राइट आई तो वुड कटर जो है वो एक राइट आई से क्या है अंधा है ब्लाइंड टू ब्लाइंड टू हम यूज करते हैं फॉल्ट के लिए ठीक है जब हम बोलते हैं गलतियों के बारे में कि भाई इसको तो अपने बेटे की या फिर इस व्यक्ति को तो अपनी गलतियां दिखती ही नहीं है यू आर ब्लाइंड टू योर ओन फॉल्ट अपनी गलतियां नजर ही नहीं आती बॉर्न ऑफ बॉर्न ऑफ यानी कि पैदा होना कहीं पर मेनी ऑफ अस आर बॉर्न ऑफ रिच पेरेंट्स यानी कि हम क्या अमीर घर में पैदा हुए हैं ठीक है बाउंड फॉर बाउंड फॉर यानी कि कोई चीज किसी चीज के लिए क्या है बाउंड फॉर मुंबई दिस ट्रेन इज मतलब कि वही जाएगी ठीक है बुक्ड आप कह सकते हो कि ये, ये जो है ये इसके लिए बनी है इसके लिए खड़ी है ये ट्रेन यहाँ पर इसका जाना तय है किसी कोई चीज किसी चीज के लिए तय हो उसे हम बोलेंगे तो ये ट्रेन क्या है मुंबई जाना तय है इसका बिजी विद बिजी विद आप इस्तेमाल करते हो जब आप किसी चीज में बिजी हो ही इज बिजी विद सम वर्क वो किसी काम में बिजी है ठीक है आई होप यू गेट ए गेट मैंने आपको जैसे बताया बेटा इन्हें लर्न तो ऐसे ही करना पड़ेगा तो वही बात है केपेबल ऑफ ठीक है ही इज केपेबल ऑफ डूइंग इट यानी कि उसमें इतनी पूरी क्षमता है वो ये कार्य कर सकता है केयरफुल अबाउट किसी चीज को लेकर के ध्यान रखना ठीक है ही इज वेरी केयरफुल अबाउट हिज ड्रेस वो अपनी ड्रेस को लेकर के बहुत ध्यान से चल रहा है बहुत uh, क्या कर रहा है सुरक्षा बरत रहा है ठीक है बहुत केयरफुल है चार्ज विद चार्ज विद आप दोबारा से समझ लीजिए चार्ज विद यानी कि आरोप लगना ठीक है सो ही हैज बिन चार्ज विदर मर्डर ठीक है उसके ऊपर क्या है उसके ऊपर कत्ल का इल्जाम है कॉन्फिडेंट ऑफ आप किसी चीज को लेकर के कॉन्फिडेंट हो आप पूरे श्योर है किसी चीज को लेकर के तब आप बोलोगे कॉन्फिडेंट ऑफ फिडेंट ऑफ सक्सेस तुम्हें ना क्या है सफलता का पूरी श्योरिटी होनी चाहिए तुम्हें सफलता मिलेगी ही मिलेगी कॉन्शियस ऑफ कॉन्शियस ऑफ यानी कि अवेयर होना ठीक है यानी कि अवेयर होना है ना सो so वो बोल रहे हैं वेरी फ्यू आर कॉन्शियस ऑफ देर मिस्टेक्स बहुत कम लोगों को अपनी गलतियां पता होती है कंटेंटेड विद कंटेंटेड विद यानी कि संतुष्टिटेंटेड विद हिस्स परफॉर्मेंस वो अपनी परफॉर्मेंस से संतुष्ट है ओके okay? अगला आता है एलिजिबल फॉर तो बोल रहे हैं यानी कि यू आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट एलिजिबल यानी कि आप आप उसके उसके लिए लिए क्या है आप उसके लिए, जितनी भी स्किल्स चाहिए आपके अंदर वो सारी स्किल्स हैं ठीक है तो आप उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो है ना हम इस तरीके से समझ सकते हैं आया समझ में तो अगर हम कैसे बोले अगर हम बोल रहे हैं यू आर एलिजिबल ठीक है एलिजिबल फॉर समथिंग सो आप कह सकते हो कि आप उतने या आप योग्य हो उस चीज के है ना आप उस चीज के योग्य हो ठीक है सो यू आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट आप इस पोस्ट के योग्य हो एंगेज टू एंगेज टू का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हम बोलते हैं कि कोई व्यक्ति किसी के साथ क्या है मंगनी हो चुकी है एक तरीके से ही इज एंगेज टू माई ब्रदर है ना तो यानी कि वो यहाँ पे शी होना चाहिए शी इज एंगेज टू माई ब्रदर यानी कि वो क्या है उनका आपस में रिलेशन है और वो आपस में एंगेज है इक्वल टू यानी कि कोई चीज़ जो है वो समान में है द प्राइस ऑफ दिस बुक इज इक्वल टू दैट ऑफ माइंड इस किताब का जो प्राइस है वो मेरी किताब के बराबर है एसेंशियल टू कोई चीज ज़रूरी होना योर एडवाइस इज असेंशियल टू अस तुम्हारी जो एडवाइस है सुझाव जो है तुम्हारा वो हमारे लिए जरूरी है फेथफुल टू यानी कि किसी के प्रति क्या होना ईमानदार uh, होना ठीक है सो लॉयल होना द डॉग डॉग इज वेरी फेथफुल टू हिज मास्टर मास्टर ये जो है वो अपने master के प्रति बहुत ही ज्यादा ईमानदार है ईमानदार कह सकते हो और आप फेथफुल uh, ऑनेस्ट uh, तो हम ईमानदार बोलेंगे है ना फेथफुल आप ऐसे कह सकते हो फेथफुल का मतलब ईमानदारी ही हो सकता है ठीक है सच्चा है है ना क्या है वो सच्चा है आप कह सकते हो ठीक है तो फॉल्स to फॉल्स to यानी कि धोखा धोखा होना ही प्रूव फॉल्स टू हिस्स फ्रेंड्स वो क्या हुआ वो धोखेबाज प्रूव हुआ अपने दोस्तों के प्रति ठीक है उसने साथ नहीं दिया फेमिलियर टू यानी कि परिचित होना हिज नेम अपियर्स फेमिलियर टू मी इसका नाम जो है मेरे को ऐसा लगता है सुना सुना है मेरे से ऑलरेडी जाना है जाना माना सा है ठीक है मैं ऑलरेडी इसको जानता हूँ गॉट इट ठीक है सो so, ये कुछ थे आपके लिए प्रपोजिशन जो मुझे आप लोगों को करवाने थे एंड आई होप कि आप लोगों को अब मैंने जैसे कि बताया बेटा कि ये जरूरी तो है तो आप लोगों को ये ऐसे ही कवर तो करने ही पड़ेंगे है ना तो आप लोगों को लर्न तो करना ही पड़ेगा इसमें ज्यादा तो है नहीं वैसे इतना कम भी नहीं है तुम बोलोगे मैम इतना ज्यादा नहीं बोल रहा है बोल रहे हो आप इतनी सारी चीजें आपने बता दी लेकिन हाँ मैंने ये ऐसी चीजें बताई है जहां से ना क्वेश्चन आ जाते हैं सो so, बेटा ये कुछ लिमिटेड है देखो मैं बोल रही हूँ ज्यादा नहीं है वो मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपको पढ़ने पड़ सकते हैं तीन सौ सौ ऐसे बहुत सारे होते हैं ये ठीक है सो so, आपको बहुत सारे पढ़ने पड़ सकते हैं सो so, उतना पढ़ना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा तो आप उनको पढ़ करके चलिए जहां से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में जहां से पूछा जाता है जो एग्जाम में अधिकतर आपके सामने आता रहता है सो so, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आते हैं यहाँ से पूछा जाता है सो आप इसकी तैयारी करके चलो सब कुछ पढ़ने अगर हम जाएंगे तो फिर तो हम फंस के रह जाएंगे और तैयारी नहीं हो पाएगी इतने कम समय में फिर तो सालों गुजर जाएंगे हमें पीएचडी थोड़ी करनी है हमें तो नौकरी चाहिए तो हमें क्या करना है हमें वो पढ़ना है जो हमारी नौकरी दिलवाने में मदद करे हमको सिंपल है कि नहीं है ना तो हम उसी चीज को तैयार करके चलेंगे तो क्या है तो अपन ने आपको वो सारी चीजें बता दी हैं अब इनको बेटा लर्न तो करना पड़ेगा ठीक है सो अब आप क्या करिएगा अब आप क्लासेस का टाइम देख लीजिए हमारी सुबह सात बजे और बजे क्लास होती है है ठीक और बाकी ये सभी आपकी क्लासेस हैं आपको इस टाइम पर क्लास लेनी है बाकी आप जो है प्रैक्टिस सिर्फ क्लास में नहीं आपको तो घर पे भी जारी रखनी है सो आप ऐप डाउनलोड करो वहां पे ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो ज्यादा से ज्यादा सवाल लगा करके देखो ठीक है तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन वगैरह करने हैं आपको तभी जा करके आपकी तैयारी अच्छे से हो पाएगी ओके और आपकी तैयारी में हम भी मदद करेंगे क्योंकि हम आपको जो है हमारी पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करवा देंगे सो तो आपको हमारे इस टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ मिल जाएगी अवेलेबल हो जाएगी आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए आपको सभी क्लासेस की पीडीएफ यहाँ पर मिलेंगी ठीक है ओके फाइन समझ गए ना तो अब एक चीज और कि नेक्स्ट क्लास में कल की क्लास में 11 बजे जब हम मिलेंगे तो हम करेंगे सेंटेंस इंप्रूवमेंट ठीक है प्रैक्टिस करेंगे प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट कर रहे हैं सो सेंटेंस इंप्रूवमेंट मैं आपको करवाऊंगी सो so अभी तक के जितना भी पढ़ाया है सब कुछ पढ़ करके आइएगा अच्छे से प्रैक्टिस करके आइएगा क्योंकि फिर सेंटेंस इंप्रूवमेंट में उतना ही अच्छे से तुम्हारे पे तुम्हें अपने आप पे कॉन्फिडेंस आएगा और आप क्वेश्चन कर पाओगे गॉट इट कूल है चिले बढ़िया है सो so, मिलेंगे फिर हम अगली क्लास में ठीक है सो so, मिलते हैं अगली क्लास में तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर एंड थैंक यू सो मच